हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट टू, एक्सरसाइज टू, पेज नंबर 11। स्टूडेंट, आज हम आपको ये एक्सरसाइज टू कंप्लीट कराएंगे, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन टू हिंदू अरेबिक नंबर। स्टूडेंट, आपने ऊपर पढ़ा था न्यूमरल्स, है ना, और नीचे पढ़ रहे हैं आप नंबर, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है जी। जो इसमें ये न्यूमरल दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, रोमन नंबर दिए गए हैं, स्टूडेंट इन्हें क्या करना है, देखो समझ लीजिए। राइट द फ्लोइंग नंबर्स इनटू हिंदू अरेबिक नंबर, जो ये रोमन नंबर दिए गए हैं इन्हें हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज कीजिए, यानी बदल दीजिए। पहले तो आप इन्हें हिंदू अरेबिक नंबर में बदल लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद में देखो फिर लिखा, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट, पहले तो जो रोमन नंबर दिए गए हैं इन्हें हिंदू अरेबिक नंबर में बदलना है, और जो हिंदू अरेबिक नंबर आएंगे उसके बाद में उन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि देखिए आप लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर ए से शुरू होता है ना, ए लेटर से शुरू होता है, और जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होता है वे भी ए से शुरू होता है। तो स्टूडेंट अगर हम पढ़ेंगे तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसी प्रकार जो असेंडिंग ऑर्डर होता है ये भी पहले सब में छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट होती है। इसे स्टूडेंट हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट भी कहते हैं, जिनके छोटे से बड़े की हो। ओके स्टूडेंट, या फिर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये दो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इन नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, है ना, या फिर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखिए, है ना। ये तो आप इन्हें लिख सकते हैं, और हिंदी में भी इसके कुछ नाम है स्टूडेंट, जैसे अवरोही आरोही कर्म, आरोही माने बढ़ता हुआ, है ना, बढ़ता हुआ कर्म, इनके छोटे से बड़े की ओर। ओके स्टूडेंट, ये सारी बातें भी आपको जानना जरूरी थी। तो स्टूडेंट अब पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इन्हें चेंज करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, नहीं स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। 2 में आपको रोमन नंबर दिए थे, आपने उन्हें हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज किया था। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार हम इसे भी करेंगे, ठीक है जी, कर लीजिए। देखिए एक्स एक्स कितने हो गए, 20, एल 50, 60, 70, 71, 72, 73। ओके स्टूडेंट, अब 50, 60, 70, 80, और 10 से पहले वन है तो 9 हो जाएगा, 89। अब 50, 60, 70, 71, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38। तो स्टूडेंट देखिए आप, ये आपको जो रोमन नंबर दिए गए थे हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज हो चुके हैं, ठीक है जी। अब आपको क्या करना, आप इन्हें अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, हम यहाँ पे ये लिख देते हैं स्टूडेंट, ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब में छोटा जो नंबर होता है उसे लिखेंगे,
ठीक है जी। अब इन सब में टू टू डिजिट है, सभी नंबर में टू डिजिट है, तो स्टूडेंट तो टेन वाली डिजिट पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे कि टेन वाली डिजिट जिसकी सब में छोटी होगी, टेन प्लेस पे वही डिजिट छोटी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ टू है, तो टू से वन तो है नहीं कहीं, तो टू वाली सब में छोटी है। टू के बाद क्या आता है जी, थ्री, थ्री ये रही 38। थ्री के बाद क्या आता है जी, फोर, फोर इसमें है नहीं, फाइव भी इसमें नहीं है स्टूडेंट, सिक्स भी नहीं है, तो सेवन है। अब सेवन वाली दो डिजिट है, दो नंबर है सेवन के, एक 73 एक 71। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए 73 बड़ा होता है 71, तो हम छोटे से बड़े की ओर लिख रहे, तो पहले इन दो नंबर से हम छोटे वाले लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे हम 71, और उसके बाद में जिससे कंपेरिजन किया वो। ओके स्टूडेंट, अब सेवन वाली डिजिट कंप्लीट हो गया, अब एट वाली, एट वाली एक ही है, तो ये हो गया। देखो टू थ्री सेवन सेवन और एट है ना, टू छोटी है, थ्री उससे बड़ी है, सेवन थ्री से बड़ी है, और ये 71 है, 71 से बड़ी 73 हो गया, और 7 से बड़ी 8 हो गई, 10 प्लेस पर। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये आपका असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बी वाले की ओर। स्टूडेंट जैसे हमने पहले वाला ये क्वेश्चन किया, सेम उसी प्रकार हम बी सी डी और ई भी करेंगे। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए एल है, एल से पहले एक्स लिखा हुआ है, छोटी डिजिट है बाद में, यानी कि लेफ्ट हैंड पे, तो सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट, तो 50 में से 10 गए, कितना होगा 40। और जी एक्स एक्स कितना होगा 20 या 21, और ये क्या होगा जी 49, ये क्या होगा 50 60 70, और ये 50 60 70 71। ओके स्टूडेंट, अभी ने भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो स्टूडेंट सब में सभी नंबर में टू डिजिट हैं, तो 10 प्लेस पर देख लेंगे, जो 10 प्लेस पर छोटी होगी वही सबसे छोटी डिजिट होगी, तो टू वाली सब में छोटी है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 21 आ गया, 21 के बाद में टू के बाद में थ्री आता है, थ्री इसमें है नहीं, फोर है स्टूडेंट, फोर वाली, फोर वाले दो नंबर है, एक 40 एक 49, तो 40 छोटा होगा, अब 49 इससे बड़ा है, और जी फोर के बाद फाइव नहीं है, सिक्स नहीं है, सेवन है जी, सेवन में स्टूडेंट 70 बड़ा होता है, छोटा होता है, और 71 इससे बड़ा होता है। स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद में उसे छोड़े मत, एक बार चेक करें ऐसे, भाई टू फोर और दूसरे फोर है तो वंस वाली डिजिट भी मैच कर रहे हैं, यहाँ जीरो है, नाइन है, तो नाइन बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट, फोर से बड़ा सेवन, सेवन से बड़ा ये दूसरा भी सेवन है, तो इसकी वंस वाली डिजिट मैच करेंगे, जीरो है वन है, तो वन बड़ा है। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार करना होता है। अब क्या है जी 41 30 87 और 70 40, सब में टू ही डिजिट हैं, सभी नंबर में स्टूडेंट, तो देखेंगे समय 10 प्लेस पे कौन सी समय छोटी है, थ्री, तो स्टूडेंट पहले 30 आ जाएगा, 30 से बड़ी, थ्री से बड़ा क्या होता है फोर, स्टूडेंट दो फोर है, एक एक 41 है, एक 40 है, तो 40 छोटा होता है, 41 उससे बड़ा हो जाएगा, फोर के बाद में फाइव इसमें है नहीं, ना सिक्स है स्टूडेंट, सेवन है, सेवन भी एक ही नंबर है, तो 70 का 70 आ जाएगा, फिर एट 80
अगर स्टूडेंट हम इन्हें ऐसे ही इनके नीचे लिखेंगे तो इससे एक फ़ायदा रहेगा कि कोई नंबर मिस नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे ये 5 नंबर है तो हम 4 ही लिख देते हैं भूलवश, ठीक है जी। अब डी वाला क्या है जी, 91, 50, 60, 75, 32, 83, 5, 50 और 10, 60 और 5 से पहले वन है तो 4, 64। ओके स्टूडेंट, अब देख लीजिए सब में 2 डिजिट हैं तो 10 प्लेस पे कौन सी, सब में 10 प्लेस पे कौन छोटी है, सब में वही छोटी होगी 3 के बाद 4 है नहीं स्टूडेंट, 5 भी नहीं है, 6 है, 6 का एक, 6 का एक ही नंबर है और 6 के बाद 7, 75। फिर 8, 83 और 91। ओके स्टूडेंट, मैच कर सकते हैं, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी पहले सब में छोटी है, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी है। ओके स्टूडेंट, तो जी सी है, सी से पहले एक्स है तो 90 हो जाएगा, यानी कि सी का मतलब 100, उससे पहले एक्स लिखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, 100 में से 10 गए 90, तो स्टूडेंट ये भी 90 है, ये 90 कितना है 6, 5 और 1, 6, ये 80 है जी, ठीक है, और ये 34 और ये 62। ओके स्टूडेंट, अब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो जी सब 2 डिजिट नंबर हैं तो 10 प्लेस पे देखेंगे जो सबसे छोटी डिजिट होगी वही छोटी है, तो 34 सबसे छोटी है, 3 से बाद में 4 नंबर नहीं है स्टूडेंट, इसमें 5 नहीं है, 6 है तो 62, 62 के बाद 7 नहीं है, 8 है, 80 और 8 के बाद जी 9 है, पर 9 वाले 2 नंबर है स्टूडेंट, 90 और 96, तो 90 छोटा होगा और 96। ओके स्टूडेंट, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा, देख लीजिए 3 है, 6 है, 8 है, 9 है और यहाँ भी 9 है, तो वंस वाली डिजिट भी मैच कर लेंगे, यहाँ 0 है स्टूडेंट, यहाँ 6 है, तो 0 छोटी होती है, तो हमें पहले छोटी लिखनी होती है बाद में उसके बड़ी लिखनी होती है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स, जो स्टूडेंट जो आपको नंबर दिए गए हैं ये 22, 45 है ना, इन सबको अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो स्टूडेंट आपको इन्हें कहीं में करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, एंड राइट देम इन रोमन न्यूमरल, और उसके बाद में इन्हें रोमन न्यूमरल में चेंज करना है, रोमन में लिखना है। ओके स्टूडेंट, पहले आप क्या करेंगे, पहले इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसे आप रोमन नंबर में चेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप समझ लीजिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे असेंडिंग को डिसेंडिंग, डिसेंडिंग को असेंडिंग कर देते हैं, तो स्टूडेंट आप एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक कैसे समझ लीजिए, डी फॉर डाउन है ना, डाउन माने आप जानते हैं नीचे आना, डाउन माने नीचे होता है, तो ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, जो डी होता है अगर कहीं भी डी आपको लिखा मिल जाए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ हो, तो आप समझ लीजिए डी फॉर डाउन, डाउन माने नीचे,
ठीक है ना, यानी कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की ओर चलना है। ओके स्टूडेंट, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरुआत करते हैं। देखिए जितने भी नंबर हैं हमारे सब टू डिजिट में है स्टूडेंट, तो जिसकी 10 प्लेस पे है, जो जिसकी वैल्यू कम होगी वही समय छोटी होगी, और स्टूडेंट जिसकी 10 प्लेस पे सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी डिजिट होगी, उसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी। ओके स्टूडेंट, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना, तो बड़े से छोटे की ओर आएंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इन 10 प्लेस पर देखिए कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं 6 सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ पे 63 लिख देंगे, और 6 से छोटा कौन होता है जी, 5 इसमें नहीं है लेकिन 4 है स्टूडेंट, लेकिन 4 के हमारे पास 3 नंबर है, तो इनमें देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा। अब 4 के 4 नंबर है 10 प्लेस पर, तो इनके वंस को मैच करेंगे, वंस प्लेस पर क्या आएगी, 5 है, 3 है, 4 है, तो स्टूडेंट 5 बड़ा होता है, अब स्टूडेंट 5 से छोटा 3 होता है, नहीं 4, 5 से छोटा 4 होता है और 4 से छोटा 3 होता है, ठीक है जी, और सम में छोटा 2 वाला है। ओके स्टूडेंट, पहले से मैच कर लीजिए, 6 4 5 4 3 है ना, और फिर 2, ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में हमने जब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कर लिया, तो अब हम इसे रोमन नंबर में लिखेंगे, ठीक है जी, तो 63 लिखना। तो हमने आपको स्टूडेंट बताया था 63 है, तो पहले 60 प्लस 3 ऐसे इन्हें एक्सपेंड कर लीजिए। हमने बताया था आपको कि ये 34 रोमन नंबर है, जो आप याद कर लेंगे तो आप 1 से लेके लैक तक के सारे रोमन नंबर लिख सकते हैं। अगर आपने ये 34 रोमन नंबर याद कर लिए होंगे तो आपको इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो वीडियो थी स्टूडेंट उसे आप देख सकते हैं। तो 60 लिखने के लिए हम पहले एल लिखेंगे फिर एक्स लिखेंगे, तो 60 हो गया, अब 3 1 2 3, तो स्टूडेंट 63 हो गया, एल एक्स आई आई आई, ठीक है जी। अब क्या है 45, तो 40 का मतलब एक्सएल होता है, और 5 का मतलब वी, तो जी 40 का मतलब एक्सएल होता है, और 4 का मतलब आई से पहले, वी से पहले आई, एक्सएल 1 2 3 43 20 है स्टूडेंट, 10 10 20 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा 22, ठीक है जी। अब 85 80 प्लस 5, पहले 80 के लिख लीजिए, पहले तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है स्टूडेंट, सबसे बड़ा 9 होता है, तो पहले 90 आ जाएगा, 90 दो नहीं है एक ही है, फिर 8 वाले दो हैं, 82 है, 85 है, तो 85 आ जाएगा, फिर 82 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर 6 है, 60 हो जाएगा, और सब में छोटा 24 है, ठीक है जी। अब हम इन्हें रोमन में चेंज कर लेते हैं, सी का मतलब 100 है, और किसी भी बड़ी यूनिट से पहले कोई छोटी यूनिट लिखी हो तो वो माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है स्टूडेंट, तो ये 90 हो गया, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, 50 या 60 हो गया जी, और 10 70 या 10 80, और वी का मतलब 5 85, एल एल 80 तो हमने अभी लिखा ही है स्टूडेंट, अब 1 II 2 हो जाएगा 82, अब 60 L और X 60, X 20 और जी V से पहले I 4 24,
ओके स्टूडेंट, अब इसे भी देख लीजिए, 9 सबसे बड़ा है स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट 94 बड़ा है, 9 से छोटा 8 वाला होगा, 8 वाले 3 है स्टूडेंट। अब इनके वंश पे देख लीजिए, जिसके वंश पे बड़ी डिजिट होगी वही बड़ा है। तो स्टूडेंट 9 बड़ा है, हमेशा 9 ही बड़ा होता है, 9 से छोटा 4 है और 4 से छोटा 3 है जी, और फिर 4 है। ये वंश प्लेस पर थे, 10 प्लेस पर है स्टूडेंट। देख लीजिए 9 से छोटा 89 था तो 84, इससे छोटा होगा 9 से, और 84 तो छोटा 83, और जी 8 से छोटा 4, ठीक है जी। अब इसे रोमन में लिख लीजिए, एक्स सी और आई वी, एल एक्स 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 आई और एक्स, ओके स्टूडेंट। एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, 60 हो गए, 70 80, और 10 से पहले अगर आई लिखा हुआ है तो माइनस होकर पढ़ा जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 बन जाएगा, 50 60 70 80, और बी से पहले आई ये 4 हो जाएगा, थ्री, ओके स्टूडेंट 83 होगा, 42, एल से पहले एक्स 40 और आई आई 2, अब ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है स्टूडेंट, इसमें भी डी लिखेंगे, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट 9 सबसे बड़ा होता है, तो 9 9 9, 3 9 है आपके पास, तो हम इनके वंश वाले डिजिट मैच करेंगे, तो 4 है 3 है 1 है, तो स्टूडेंट पहले 4 ही आएगी, फिर 3 ही आएगी, और फिर 91 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट। अब 65 और 26, अब इन्हें रोमन में लिख लेंगे, सी और एक्स 90 और आई और वी 4, सी और एक्स 90 और आई 1, एल और एक्स 60 और वी का मतलब 5 65, और जी 20 एक्स एक्स 2 एक्स हो जाएगा 20 हो जाएगा, और वी और आई 6 26, ओके स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। स्टूडेंट रोमन न्यूमरल्स दे रखे हैं, इन्हें आपको ऐड करना है, और ऐड करके इनके आंसर भी आपको रोमन नंबर में ही देने हैं, ओके स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं पहले क्या लिखा है, 30, तो आप यहाँ 30 लिख लीजिए ऐसे, फिर क्या लिखा है 24, और माइनस कर दीजिए स्टूडेंट, 10 हो गए, 6 बच जाएगा, 2 में से 2 गए 0, तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया 6। अब इसे रोमन में चेंज कर लीजिए, वी और आई कितने हो गए 6, अब कितना लिखा है स्टूडेंट, एल, एल का मतलब 50 और एक्सएल का मतलब 40, तो माइनस कर दीजिए स्टूडेंट, कितना हो गया 10, और 10 को रोमन में क्या कहते हैं एक्स, ओके स्टूडेंट। अब ये क्या लिखा हुआ है जी 44, और ये कितना है 11,
माइनस कर दीजिए, 3 3 अच्छा स्टूडेंट ये ऐड होगा, ये जो होगा ऐड होगा 5 और 5 55 होगा। तो स्टूडेंट 50 का मतलब एल है और 5 का मतलब बी है, ठीक है जी 55 हो गया। अब क्या है जी 41 प्लस 9, तो 41 और 9 कितना हो गया जी 50, और 50 को रोमन में क्या कहते हैं एल, ठीक है जी। अब एक्स सी का मतलब 90 और एक्स एल का मतलब 40, तो स्टूडेंट क्या हो गया 9 और 4 30 130 हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सी को क्या कहते हैं 100 और 30 को एक्स एक्स एक्स, ठीक है जी, तो 130। अब क्या है जी एल, एल का मतलब क्या होता है 50, और जी 10 और 20 का मतलब 15, तो स्टूडेंट ये क्या होगा -10 हो गए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 4 और 4 में से 1 गए 3, तो स्टूडेंट क्या होगा 35, 30 का मतलब 3x और 5 का मतलब जी v, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगर आप इन्हें ऐसे पहले रोमन न्यूमरल को नंबर में बदल के और रब कॉपी में माइनस करेंगे स्टूडेंट, और फिर जो आंसर आएगा उसे रोमन में चेंज कर लेंगे, तो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है जी। आपको पता ही है हम स्टार मैथ क्लास 4 की सारी ये पूरी टोटल बुक आपको कराएंगे स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने के, जितनी भी इसमें यूनिट हैं सभी यूनिट हम आपको कराएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप क्लास 4 स्टार मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू। वैसे स्टूडेंट सभी कोई भी क्लास हो, चाहे वो सेकंड है थर्ड है फोर्थ है, तो स्टूडेंट इनमें सारे मैटर ज़्यादातर सेम ही होते हैं, बस अगर थर्ड क्लास है तो 100 तक आगा जैसे नंबर ने नेम है, और फोर्थ थर्ड में आगे 1000 तक हो गए, फिफ्थ में लैक तक हो गए, है ना। तो स्टूडेंट ऐसे ही इनके नंबर बढ़ते रहते हैं, यानी कि नंबर में ही होते हैं, अगर आपने एक बार सीख लिए तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों का मैथ एक जैसा ही होता है। जैसे कोई ये बुक है स्टार न्यू स्टार मैथ और दूसरी बुक है टुगेदर है या और है कोई भी, तो स्टूडेंट उनमें सिर्फ फर्क क्या होता है कि इसमें तो पहली यूनिट पे रोमन नंबर दे दिए, उसमें तीसरी पे तीसरी यूनिट में दे दिए, उसमें लार्ज नंबर शुरू में दे दिए, उसमें लार्ज नंबर 4 यूनिट पे दे दिए, तो बस स्टूडेंट इतना ही फर्क होता है। लेकिन सारी बुक जितनी भी होती है उनका मैटर लगभग सेम से ही होता है 90%। ओके स्टूडेंट, अगर आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक तो यही रहेंगे, ठीक है जी। बस अगर फिफ्थ में है या फोर्थ में है आप सेकंड में है तो थोड़ी थोड़ी वे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। अगर फिर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं।